इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रचना बंसल। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई है। हर किसी की यही निगाहें हैं कि राहुल गांधी का अगला स्टेप क्या होगा। हालांकि अगले स्टेप के तौर पर कांग्रेस आज देश भर में संकल्प सत्याग्रह कर रही है और कांग्रेस के बड़े चेहरे आपको लगातार इस सत्याग्रह में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी तो जब बोली तो ऐसी बरसी कि एक के बाद एक कई सवाल उन्होंने केंद्र सरकार से कर लिए, खुद प्रधानमंत्री से कर लिए और ये पूछा कि जब एक शहीद के परिवार का अपमान हुआ, जब भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया गया, जब ऐसे तंज और व्यंग किए गए, तब किसकी सदस्यता गई या फिर किस पर केस दर्ज हो गया, जरा मुझे बताइएगा। प्रियंका गांधी गुस्से में है क्योंकि उनके भाई के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भारत की आवाज उठाने का मैं काम कर रहा हूं और मेरी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। इन सबके बीच में केरल के वायनाड में उपचुनाव की खबर है, तो खबर ये भी है कि उपचुनाव में प्रियंका गांधी कैंडिडेट के तौर पर उतर सकती हैं। हालांकि इस खबर को कंफर्म होने में अभी टाइम है क्योंकि अभी तो चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव पर सिर्फ चर्चा चल रही है, अप्रैल में हो सकता है इसका ऐलान हो, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट का चूंकि रुख कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी, हो सकता है कि कोर्ट से भी राहत मिल जाए और उपचुनाव की नौबत ही ना आए। इन सबके बीच में राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने बायो में चेंज किया है, यानी कि जो प्रोफाइल है उसमें थोड़ा चेंज किया है और करते हुए विशेष तौर पर खुद को, चूंकि कांग्रेस के वो नेता है, कांग्रेस का नेता तो खुद को लिखा है, लेकिन साथ ही साथ लिखा है डिस्क्वालिफाई एमपी, यानी कि जो लोकसभा सदस्यता उनकी गई है उसे विशेष तौर पर उन्होंने वहां पर हाईलाइट करते हुए दिखाया है और ये बताया है कि डिस्क्वालिफाइड एमपी मैं हूं। अब देश के सामने इस तरीके से राहुल गांधी है और राहुल गांधी जब मीडिया के सामने भी आए थे तो उन्होंने लोकसभा सदस्यता जाने को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपना काम कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा और लोकसभा सदस्यता जाने को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना, देश को प्रथम रखना, प्राथमिकता देना, ये भी एक अलग तरह का संदेश जाता है, देता है। और पब्लिक डोमेन में बातें ये भी हो रही हैं कि राहुल गांधी, जिन्हें अपरिपक्व कहा जाता था, अब एक परिपक्व नेता के तौर पर उभर रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनके लिए देश सबसे पहले है। कांग्रेस के बड़े लीडर्स लगातार बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी मजबूत होकर खड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि ना तो मैं झुकूंगा, ना मैं पीछे हटूंगा और सच बोलना तो मैं कतई नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ट्विटर हैंडल पर बायो में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी की जो भाषा है, राहुल गांधी का जो तंज है, जो सवाल पूछने का अंदाज है, उसमें कतई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, पहले से ज्यादा अग्रेशन जरूर देखा जा रहा है गांधी फैमिली में, कांग्रेस के बड़े लीडर्स में। आगे क्या होना चाहिए, अभी तक जो हुआ है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए।